आज हम लोग इस वीडियो में नीट पीजी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किसी भी डॉक्टर्स को जो कि एमबीबीएस क्वालिफाइड हैं, आइदर उन्होंने इंडिया से या फिर अब्रॉड से एमबीबीएस किया है, वो लोग कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करके नीट में एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइदर ऑल इंडिया काउंसलिंग या फिर स्टेट काउंसलिंग। तो हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग होती क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन टिल अलॉटमेंट फाइनल रिपोर्टिंग तक का प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक नोटिस भी देखा है कि अभी कुछ चेंजेस आई है काउंसलिंग में, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करने जाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो क्लोजिंग रैंक या फिर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में भी डिस्कस करने जाएंगे। हम लोग सबसे पहला टॉपिक एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो भी मेडिकल कॉलेज है उनमें एडमिशन के लिए या फिर जो भी डीएनबी के हॉस्पिटल्स हैं उनमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी बेसिक एलिजिबिलिटी है, एंट्रेंस एग्जाम है जिसे नीट बोलते हैं, तो नीट में क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। तो जो कैंडिडेट नीट में क्वालिफाइड हैं वही ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या फिर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है और ये कंडक्ट कौन कराती है। तो हम लोग अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी वो कराती है, और अगर हम लोग स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं तो स्टेट काउंसलिंग पर्टिकुलर स्टेट कराती है। अब हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है और उसमें कैसे कैसे टाइप के कॉलेजेस होते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे फिल करने होते हैं, जैसे कि इस कैंडिडेट का नीट का एप्लीकेशन नंबर, नीट रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। इसके बाद फिर हमें पासवर्ड क्रिएट करना होता है, तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमारी क्रीडेंशियल वहाँ पर बन जाती है। और हाँ, एक बात ध्यान दें, हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने होते। जैसे भी अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे पुट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। फिर यहाँ पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हम लोगों को वापस लॉगिन करके हमें टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट चूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ हम लोग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस साल ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट को इंक्लूड कराई गई है। तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में देखते हैं तो सबसे पहली आती है ऑल इंडिया 50%, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं उनकी 50% सीट वो आती है। दूसरे में डीएनबी, तीसरे में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और चौथे में आती है आपकी डिम्ड यूनिवर्सिटीज़। हम लोग यहाँ पे जब इंस्टीट्यूट को चूज़ करते हैं, चूज़ करने का नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट वगैरह पे करना होता है। जैसे भी हम लोग इंस्टीट्यूट चूज़ करेंगे, अगर हम लोग डिम्ड यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ डीएनबी को अगर हम लोग चूज़ करते हैं, तो हमें वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है। इनके साथ साथ हमें सिक्योरिटी अमाउंट जो कॉशन डिपॉजिट होती है वो पे करनी होती है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन अमाउंट कैसे पे करनी होती है और ये कितनी अमाउंट होती है, सिक्योरिटी अमाउंट कैसे पे करनी होती है, ये कितनी अमाउंट होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पे कैटेगरी वाइज वेरी करती है और यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट भी कैटेगरी वाइज वेरी करती है। हम लोग यहाँ पे डिम्ड की बात नहीं करते हैं। अगर हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, डीएनबी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1000 होती है और रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होती है वो 500 होती है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट के अलावा अगर हम लोग सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें, जो कि रिफंडेबल होती है बट उसमें एक टर्म एंड कंडीशन होती है जो कि मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट कितनी होती है, जैसे जनरल कैटेगरी में अगर आप गवर्नमेंट और डीएनबी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए जाएंगे तो 25,000 सिक्योरिटी अमाउंट होती है। वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट जो होती है वो 10,000 की होती है। इसके अलावा अगर हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें ओपन में काउंट किया जाता है। ओपन इन द सेंस वो मैनेजमेंट की सीट है, इसीलिए वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5000 पे करनी होती है और जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो 2 लाख की होती है। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के बाद और यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन होती है। टर्म एंड कंडीशन इन द सेंस, जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी अमाउंट जब पे करने जाएंगे तो आप एक बात को ध्यान रखें कि आपकी जो लिमिट होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको 2,05,000 पे करना होता है, तो बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बहुत सारे कार्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी जो लिमिट होती है वो बिलो 2 लाख होती है। तो अगर आपकी लिमिट बिलो 2 लाख है तो हो सकता है आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करते समय प्रॉब्लम्स आएगी, तो आप अपने ब्रांच में पहले से ही बात करके उस लिमिट को 2,10,000 करके रखें ताकि सिक्योरिटी अमाउंट पे करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये कब वापस होती है,
तो ये सिक्योरिटी अमाउंट काउंसलिंग खत्म होने के 2 से 3 महीने बाद ये सिक्योरिटी अमाउंट वापस होती है और सेम अकाउंट में होती है, जिस अकाउंट से आप पे करते हैं उसी अकाउंट में ये वापस होती है। ये अमाउंट आइदर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं या फिर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह पे करने के बाद, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आती है सीट मैट्रिक्स की, तो वो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं। ये चॉइस फिलिंग क्या होती है, चॉइस फिलिंग एक जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो कि काउंसलिंग में हैं, उनको हम लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो हमें कॉल करके ये पूछते हैं कि कितने, या फिर मैसेज में पूछते हैं कि कितने चॉइसेस हम लोग डाल सकते हैं, क्या ये लिमिटेड है या नहीं है। तो यहाँ पे चॉइसेस जो हैं लिमिटेड नहीं है, आप एन नंबर ऑफ चॉइसेस डाल सकते हैं, एन नंबर इन द सेंस सीट मैट्रिक्स में जितने चॉइसेस हैं आप सब भर सकते हैं अगर आपने उसे वहाँ पे इंस्टीट्यूट को चूज़ किया हो। फिर यहाँ पे बात होती है चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग करते समय आप एक बात का ध्यान दें, जब भी आप कोई इंस्टीट्यूट को चूज़ करते हैं, आप चूज़ करने से पहले आप एक प्लानिंग कर ले उनकी ऑर्डर कैसे सेट करनी है और उनमें बॉन्ड क्या होता है, वो स्टाइपेंड कितना देते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट के लिए चूज़ कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट वो अच्छी है या नहीं है, आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्पेशली बॉन्ड का आप लोग ध्यान दें। बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम, वहाँ पे 10 साल की बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पे बॉन्ड के स्टेट में जाए, अगर आपको वहाँ पे छोड़ के अगर वापस अपने स्टेट या दूसरे जगह जाना हो या हायर स्टडीज़ करनी हो वो आप उस समय आपको प्रॉब्लम आए, तो उससे पहले ही आप ये सब क्लियर कर ले। और ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें और ये डिटेल्स आपको हम लोग अवेलेबल करा देंगे। अब तो ये बात रही चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग के लिए भी आप हमारे से गाइडेंस ले सकते हैं, हम लोग आपको चॉइस फिलिंग की ऑर्डर भी सेट करके देंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट आपके मेरिट के बेस पे होती है और आप जो सब्जेक्ट वहाँ पे चॉइस फिलिंग में पुट करेंगे या फिर जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट आप पुट कर रहे हैं उस अकॉर्डिंगली आपकी चॉइस फिलिंग होती है। तो ये एक ऐसा अलॉटमेंट प्रोसेस है कि जिसकी जिनकी रैंक अच्छी है उन वो अगर आगे के सब्जेक्ट रखते हैं तो उनको मिलेगी, ऐसा नहीं कि पीछे वाले रैंकर हैं उन्होंने जो भी चॉइस फिलिंग किया उनको मिल गया, ये रैंक मेरिट बेस पे होती है, तो ये रैंक के अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट होती है। फिर अलॉटमेंट के बाद फाइनल प्रोसेस होती है रिपोर्टिंग की, तो रिपोर्टिंग करते समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं, कॉलेज की जो फीस है उसकी डीडी या फिर आप ऑनलाइन पे करके जाके इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करते समय आपको बॉन्ड साइन कराएंगे, अगर वहाँ पे बॉन्ड एप्लीकेबल है तो आप उसको भी फॉलो करते रहें।